जालौन में बारा से लौट रहा एक घोड़ा 12 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा। मामला जालौन के कोंच कोतवाली इलाके का है, जहां नदी गांव रोड से बारा से वापस लौट रहा एक घोड़ा निजी टेलीकॉम कंपनी द्वारा सड़क किनारे खोदे गए 12 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा। वहीं हादसे में घोड़े पर बैठा उसका मालिक गड्ढे के बाहर ही रह गया। हादसा देख मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुड़ गई, जिन्होंने घोड़े को गड्ढे से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं मामले की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई, लेकिन स्थानीय प्रशासन से घोड़ा मालिक को कोई भी मदद नहीं मिली। किसका घोड़ा है? ये घोड़ा है श्री फल सिंह पाल, सन ऑफ श्री हरदास पाल। इन्होंने ना कई नंबर पर कॉल भी किया है, और उसके बाद पुलिस की तरफ से ना कोई प्रशासनिक ना मदद भी नहीं मिली है इनको। तो उसी के बारे में कहना चाहते, ये इनकी रोजी रोटी है, इसी से इनका परिवार का गुजर बसर चलता है। ये गड्ढा किसके द्वारा खोदा गया है? ये प्राइवेट कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी है शायद, एयरटेल की है। ट्रक की रोशनी के कारण गड्ढे में घोड़ा चला गया। जालौन के कालपी कस्बे में एक महीने पहले एक युवती की सड़ी लाश मिली थी। इस हत्या की गुत्थी का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। युवती की हत्या उसके सहयोगी ने अपने भाई के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने महिला के हत्यारे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि एक युवक अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। बता दें कि 28 मार्च को कालपी थाने के रेलवे क्रॉसिंग फाटक की पुलिया के नीचे एक महिला की लाश मिली थी, जिसकी पहचान रहीसा निवासी थाना कालपी के रूप में हुई थी। अभियुक्त राजू गांव के ही कोटेदार को रहीसा के बलात्कार में फंसाना चाह रहा था, लेकिन रहीसा के पलटने से राजू बौखला गया और उसके दुपट्टे से गला घोटकर हत्या कर दी और शव को नाले के पास फेंक दिया। एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और फरार युवक की तलाश की जा रही है। दिनांक 28/18 को कालपी रेलवे क्रॉसिंग के पास एक महिला की बदबारी मिली थी। काफी जीर्ण अवस्था में थी, उसका पोस्टमार्टम कराया गया था और पोस्टमार्टम कराने से उसकी स्थितियाँ स्पष्ट नहीं हो पाई थी। उसके कंकाल को भी भेजा गया था परीक्षण के लिए। इसी बीच जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि इनके आपस में कुछ लोग गांव के हैं, उनके विवाद है। एक एप्लीकेशन उनके घर से पड़ी हुई थी और उस जांच पता चला कि इनके एक मुकदमे थे पहले से। उस मुकदमे के आधार पर एक दूसरा मुकदमा भी कायम कराने का प्रयास चल रहा था कचहरी में। उसी की पैरवी के लिए महिला यहाँ पर आई हुई थी और उस महिला के दूसरे पक्ष से कुछ समझौते हो गए थे, जो जिसकी भनक इस पक्ष को लग गई थी, इसी को रंजिश मानते हुए उन लोगों ने इसकी हत्या। इसमें एक आदमी पकड़ लिया गया है और बाकियों की अभी छानबीन भी की जा रही है, उनको पकड़ने का प्रयास भी किया। ब्रेव न्यूज लाइव के लिए जालौन से अनुज पाटकार की रिपोर्ट।